सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में तजाद बरकरार है। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में सरकारी निरखों पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। आलू सरकारी कीमत 82 है जबकि मार्केट में 98 रुपए किलो में फरोख किया जा रहा है। दीगर रेट्स के हवाले से भी जान लेते हैं। अक्सा सज्जाद हमारे साथ हैं। जी अक्सा, मार्केट में और जो सरकारी दाम है उसमें खासी इजाफा जो है आज भी देखने में नज़र आ रहा है। दुकानदार जैसे पहले 20 से 50 रुपये और कहीं कहीं 100 रुपये का इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज भी वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट में इस वक्त तो खासा कम रश देखने में नज़र आया है, लेकिन उनका ये कहना है कि शाम के औकात में ज़्यादा रश हो जाता है, लेकिन कीमतें जो हैं उसी दायरे में बरकरार हैं। सरकारी दामों में 20 से 50 रुपये बढ़ाकर फलों और सब्जियों में जो इजाफा करके दुकानदार फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि फल और सब्जियां पहले ही जो है उनकी पहुंच से बाकी फूड मुश्किल उनकी पहुंच से बाहर हैं। फल और सब्जियों में भी जब दुकानदार 20 से 50 और 100 रुपये का इजाफा करते हुए उनको फरोख्त करेंगे तो ये भी उनकी पहुंच से दूर चल जाएंगी। कीमतों के हवाले से आपको मज़ीद आगाह कर देते हैं। प्याज की जो सरकारी कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 100 रुपये सरकारी रेट है, जबकि उसमें 20 से 30 रुपये का इजाफा करते हुए उसको 130 रुपये तक की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। आलू की जो सरकारी कीमत है वो 82 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किए गए, जबकि इसमें इजाफा करते हुए 20 से 30 रुपये की 50 रुपये का इजाफा करते हुए इसको 150 रुपये तक की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है वो 175 रुपये है, जबकि इसमें इजाफा करते हुए इसको 190 से 200 रुपये तक की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद फलों के हवाले से भी आपको आगाह कर देते हैं, जो मौसमी फल हैं उसमें ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आता है, क्योंकि बाकी फल जो हैं शहरी कम खरीदते हैं, मौसमी फलों का रुझान ज़्यादा होता है, तो उसके हवाले से आपको आगाह कर देते हैं। जो आम सिंदरी है उसकी सरकारी कीमत 170 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर की गई है, जबकि दुकानदार इसमें इजाफा करते हुए इसको 200 से 250 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। आम चौंसा जो है वो 160 रुपये उसके सरकारी दाम मुकर्रर की गई है, जबकि इसके दुकानदार 100 से 150 रुपये तक का इजाफा करते हुए उसको 180 से 200 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। पालसे की सरकारी कीमत 280 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर की गई है, जबकि दुकानदार इसमें भी इजाफा करते हुए उसको 300 से 350 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रही हैं। और जो पपीता है उसकी सरकारी कीमत 200 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर की गई है, दुकानदार इसमें भी इजाफा करते हुए 50 से 60 और आज ओपन मार्केट में इसमें 100 रुपये तक का इजाफा भी देखने में नज़र आया। इसमें इजाफा करते हुए दुकानदार इसको 300 रुपये तक की कीमत में फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसमी फलों की कीमतों में ज़्यादा इजाफा है और जो दूसरे फल हैं उनमें 20 से 30 रुपये का इजाफा जो है दुकानदार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से मुतालबा है कि पहली अशिया फूड में जो है उनकी पहुँच से दूर हैं। फल और सब्जियों में भी जब दुकानदार मन चाहे कीमतों के साथ इजाफा करेंगे तो ये भी उनकी पहुँच से दूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सा।